लेकर भी आपके कई सवाल रहते थे। तो जेओए लाइब्रेरी के जो पद है वो 600 से 700 पदों को भरने की प्रक्रिया शिक्षा विभाग ने यहाँ पर शुरू कर दी है, और खासतौर पर पहले जो है वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद शिक्षा विभाग भरता था, लेकिन अब असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पोस्टों को खत्म कर दिया गया है और इसके बदले जो है वो अब जेओए लाइब्रेरी के पद भरे जाएंगे। और इसके लिए 600 से 700 पोस्टें कमीशन यानी कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से यहाँ पर शिक्षा विभाग भरेगा। इसके लिए सूची जो है वो कमीशन को भेजने की तैयारी शिक्षा विभाग ने कर दी है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन रहती है वो आपको पता ही है कि प्लस टू के बाद जो है वो लाइब्रेरी में लाइब्रेरी के कोर्सेज में एक साल का डिप्लोमा और जो डिग्री है वो चाहिए होती है। तो यहाँ पर जो है वो जीओए लाइब्रेरी की भर्ती 600 से 700 पदों पर ये विश्वविद्यालय ये शिक्षा विभाग की ओर से भरने का प्रोसेस इसमें शुरू कर दिया है। और डीपीई की अगर हम बात करें तो डीपीई के 380 स्कूलों में पद यहाँ पर खाली चल रहे हैं। तो इस मामले पर शिक्षा विभाग ने ये जरूर निर्देश जिला उपनिदेशकों को कहा है कि जहां जहां पर डीपीई के पद खाली है उनका ब्यौरा जो है वो शिक्षा विभाग को भेजा जाए और उसके बाद जो है वो प्रमोशन के आधार पर डीपीई के पदों को स्कूलों में भरा जाए। लटका हुआ है आउटसोर्स के लिए सरकार ने जैसा कमेटी का गठन किया था वो कमेटी अब पूरी तरह से कंफ्यूज इसलिए हो चुकी है क्योंकि कर्मचारियों आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं उनके लिए पॉलिसी बनाना अब सब कमेटी के सामने एक चुनौती इसलिए बन रहा है क्योंकि इसमें कई तरह के जो केस कोर्ट केसेस है उसका आगे आने वाले समय में कोर्ट केस हो सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भी जो है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक आउटसोर्स के लिए पॉलिसी बनाना अधिकारियों द्वारा यहाँ पर संभव नहीं बताया जा रहा है। और इसीलिए सरकार की ओर से यानी कि सीएम की ओर से क्योंकि सीएम जो है वो आज शिमला में ही थे और सुबह के समय जो है वो उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश दिए वित्त विभाग को क्योंकि वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ उनकी काफी समय तक जो है वो मंथन यहाँ पर चलता रहा और उन्होंने ये निर्देश भी वित्त विभाग के अधिकारियों को दिए हैं कि आउटसोर्स के मसले को लेकर जो है वो पॉलिसी बनाना संभव नहीं है। तो ऐसे में आउटसोर्स के कर्मचारियों को अगर रेगुलर पे स्केल दिया जाए या उनके बराबर जो है वो स्केल दिया जाए तो कितना आर्थिक बोझ यहाँ पर सरकार के ऊपर पड़ सकता है इसका पूरा जो बायोडाटा है रिपोर्ट बनाने को कहा गया है क्योंकि अब जो है वो सरकार जो है वो केंद्र से कर्ज ले रही है। तो इस लिहाज से अब सरकार ने ये तमाम चीजें जो है वो स्टडी करना शुरू कर दिया है और आउटसोर्स को पॉलिसी ना बनाकर बल्कि रेगुलर पे स्केल देने की जो चर्चा है अब वो यहाँ पर फिर से शुरू हो चुकी है। तो अब देखना ये होगा कि सरकार क्या है वो आउटसोर्स के जितने भी कर्मचारी है उनके लिए अपने इस टर्नओवर में ही यानी कि अपने ही कार्यकाल में क्या कोई पॉलिसी बना पाती है या फिर जो रेगुलर पे स्केल की अब बात कही जा रही है क्या रेगुलर पे स्केल देना सरकार के लिए संभव ही है क्योंकि आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो है अब वो आउटसोर्स के कर्मचारियों को रेगुलर पे स्केल देना सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। लेकिन फिर भी क्योंकि सरकार की ओर से अगर ये कहा जा रहा है कि रेगुलर पे स्केल को लेकर अगर वित्त विभाग को डायरेक्शन दी जा रही है कि वो पूरा यहाँ पर प्रपोजल बनाए कि कितना जो खर्चा है वो सरकार पर बन सकता है कितने आउटसोर्स के कर्मचारी है तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि इस चुनावी वर्ष में जरूर जो है वो सरकार किसी भी वर्ग को निराश नहीं करना चाहती है और यही वजह है कि यहाँ पर सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि आउटसोर्स को भी रेगुलर पे स्केल दिया जा सकता है। तो देखना होगा कि इस मामले पर क्या होता है क्योंकि सरकार के पास समय बहुत कम है और सरकार की योजनाएं और सरकार की घोषणाएं और सरकार के आश्वासन जो कर्मचारियों को दिए गए हैं वो बहुत ज्यादा है। फिलहाल इसी के साथ जो है इसके साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ी खबर भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आउटसोर्स पर बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक भी सोमवार को शुरू हो रहे सप्ताह में ही होगी। इस बारे में अब तक सभी विभागों से डाटा रिपोर्ट तैयार हुई है और इसमें करीब 32,000 कर्मचारी विभिन्न विभागों और निगम बोर्डों से आउटसोर्स पर है। इन्हें लेकर अब अन्य राज्यों के जो मॉड्यूल है उस पर से उनका भी फीडबैक मांगा गया है। उसमें कैबिनेट सब कमेटी के जो अध्यक्ष है महेंद्र सिंह ठाकुर अपने अन्य दो साथी मंत्रियों सुरेश भारद्वाज और सुखराम चौधरी के साथ इसी सप्ताह ये बैठक करेंगे। कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशें फिर से कैबिनेट में रखी जाएगी और सरकार इस पर बड़ा फैसला लेगी। तो प्रदेश में करीब 8,000 आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ा ये फैसला है जो सब कमेटी की बैठक में होना है। इसके अलावा अगली जानकारी